तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज हम जो वीडियो लाए हैं, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ जो मशीन से रिलेटेड होती है, यानी मशीन में होने वाली जो प्रॉब्लम होती है, मैकेनिकल इशू होता है, उसको कैसे आप रिजॉल्व कर सकेंगे या इन फ्यूचर में आप कैसे उससे हैंडल कर पाएंगे, वो आइडिया मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो अगर आपने मशीन ख़रीदने की सोची है या फिर आपने मशीन ख़रीद लिया है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं मशीन में, जैसे कि आपका ऑपरेटर कैसे उसको ऑपरेट करता है, या फिर आपका जो ऑपरेटर जो मशीन चलाता है उसको नॉलेज कितना है। अगर आपका ऑपरेटर नया है तो वो मशीन को कभी भी सेटिंग नहीं कर पाता है, उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट ऑपरेटर रखना पड़ेगा। लेकिन एक्सपर्ट ऑपरेटर भी बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। देखिए, मशीन में टोटल दो प्रॉब्लम होते हैं, वो मैं आपको बता सकता हूँ। मैकेनिकल प्रॉब्लम दो ही होते हैं, एक मशीन की सेटिंग्स जो थोड़ी बहुत इधर उधर अलाइनमेंट वगैरह चेंज हो जाती है तो मशीन में वो स्क्रैप और पेपर जनरली वो लीकेज निकलता है, तो उसके लिए आपका ऑपरेटर अगर एक्सपीरियंस्ड है तो फिर ऑपरेटर ही उसको सेट कर देता है। लेकिन ऑपरेटर बस उतना तक ही कर पाता है। उसके लिए अगर मान लीजिए कोई बड़ा इशू आता है, जैसे कि बेयरिंग टूट जाना या मोल्ड टूट जाना या मशीन से रिलेटेड कुछ भी टूट जाना, या इंटरनल जितना भी पार्ट्स वगैरह चेंज करना हो, वो एक मैकेनिक ही कर सकता है। इसका एक मैकेनिक होता है जो प्रॉपर ये पूरा काम जानता है मशीन के मामले पे, ये आपको पूरा ठीक करके देता है। मशीन चाहे नई हो या मशीन चाहे पुराना हो, वो प्रॉब्लम देता ही है, मैकेनिकल इशू आता ही है, अलाइनमेंट इशू आता ही है। उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको मैकेनिक हायर करके रखना पड़ेगा। अगर आपके पास एक मशीन है, दो मशीन है, तो फिर आप अगर मैकेनिक एक्स्ट्रा रखेंगे तो आपको इस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होने वाली है। और अगर आपके पास में लगभग चार मशीन है तो फिर आप एक मैकेनिक हायर कर सकते हैं। तो जिनके पास में एक मशीन है या दो मशीन है, वो आप मैकेनिक को कैसे ये करेंगे? तो ऑप्शन हमारे पास यही है कि आपके एरिया में आप कोशिश करेंगे कि देखेंगे कि वहाँ पे आपके बराबर कोई जो बिजनेस कर रहा है, यानी मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है यहाँ पे पेपर कप, उससे रिलेटेड कोई वहाँ पे मैन्युफैक्चरर आपके आसपास है या नहीं। अगर है तो उनसे आप हेल्प लेने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको फ्लाइंग मैकेनिक बुलाना पड़ेगा। फ्लाइंग मैकेनिक काफ़ी चार्ज करता है, वो आपके मशीन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व ज़रूर करता है। अगर वो दिन भर काम करता है आपके मशीन पे तो लगभग आपका 5,000 रुपया खर्चा होता है, और अगर 3 दिन काम कर लेता है तो लगभग 10,000 रुपया वो 3 दिन में आपका वो उसको देना पड़ता है। तो फ्लाइंग मैकेनिक का यही एक इशू होता है कि अगर कुछ बड़ा काम आता है या बड़ा प्रॉब्लम आता है जिसको रिपेयर करने में 2 या 3 दिन लगता है, तो उस पर फ्लाइंग मैकेनिक को काफ़ी पैसा देना पड़ जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी लॉस होता है मतलब बिजनेस में। इस चीज़ के लिए आप लोग अपने मशीन पे जो ऑपरेटर रखेंगे उस ऑपरेटर को देख कर रखेंगे कि वो कितना एक्सपीरियंस्ड है। मेरे हिसाब से आपको ऑपरेटर जो है 2 साल से 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपने रख लेंगे तो फिर आपके मशीन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो होती है वो खुद ही सॉल्व कर लेगा। उसे हम लोग हफ मैकेनिक भी कहते हैं। जो 3 साल 2 साल एक्सपीरियंस होता है वो हफ मैकेनिक होता है, वो आपका पूरा फुल मैकेनिक भी काम कर लेता है, कोई कोई ऐसा भी होता है। तो हमारे पास में एक ही मैकेनिक है जो हमारे पास में चार मशीन जो देखता है, तो हमारे पास चार मशीन को देखने के लिए वो हमें 18,000 रुपया चार्ज करता है। वो हमारे फैक्ट्री में ही रहता है 24 घंटा, कभी भी अगर प्रॉब्लम होता है मशीन पे तो वो ठीक करके देता है, और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो देख लेता है, तो हमें उस चीज़ की टेंशन नहीं रहती है। और जिस जगह में मैं रहता हूँ उस जगह में हमारे आस पास में काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे पेपर कप मैन्युफैक्चरर भरे पड़े हैं। मेरे इस एरिया में कम से कम 6 से 7 मैन्युफैक्चरर यहाँ पे अभी अवेलेबल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर फिर भी कुछ अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको आगे चल के उसका भी सॉल्यूशन दे सकता हूँ। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमें लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए, लाइक कोई बात नहीं है, बट शेयर ज़रूर कीजिएगा कि आपसे रिलेटेड कोई भी आपका बंदा हो। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।